सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मुजफ्फरनगर के लोगों, यहाँ जाति और धर्म की लड़ाई नहीं है, यहाँ केवल कमेरे लुटेरे के बीच लड़ाई है। हम कमेरों के वकील है, वो लुटेरों के वकील। खेती लाभ का धंधा नहीं रहे, आज हमारे नौजवान खेती में जाना नहीं चाहते और नौकरी देना नहीं चाहते। हमारे नौजवान बेरोजगार है। 750 किसानों की शहादत के बाद इन्होंने झूठा वादा किसान से किया। हो सकता है वो लोग भूल गए हो, पर चौधरी चरण सिंह किसी एक परिवार के, एक जाति के नहीं थे। चौधरी सिंह किसान मसीहा थे, सब किसानों के देवता थे। एक किसान पर छोड़े, आपको आतंकवादी और खालिस्तानी कहा गया। ऐसे हालात में फैसला आपको करना है। अगर सम्मान चाहते हो तो अपमान करने वाले को सबक सिखाना पड़ेगा। स्वागत कर दिया था पूरे गांव की तरफ से, हो गया। समय के अभाव में आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 19 तारीख का इलेक्शन ये तय करेगा कि आया मुजफ्फरनगर लोकसभा के निवासी सम्मान पसंद है या अपमान पसंद है। जो सम्मान पसंद लोग हैं वो बटन दबाने से पहले जरूर याद करेंगे कि भाई इस हिंदुस्तान में एक इतिहास बनाया गया कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मकान में से सामान उठा करके बाहर फेंका गया था और केवल कनागत बीतने का समय मांगा था। हो सकता है वो लोग भूल गए हो, पर चौधरी चरण सिंह किसी एक परिवार के, एक जाति के नहीं थे। चौधरी सिंह किसान मसीहा थे, सब किसानों के देवता थे। हम लोग वो सब अपमान भूल नहीं पाए। हम ये भी नहीं भूल पाए कि 2019 में किस प्रकार से नतीजे बदलेंगे मुजफ्फरनगर के, बागपत के, और जीते हुए हरा दिए गए, हारे हुए जिता दिए गए, हम वो भी नहीं भूल पाए। दोस्तों, हमें भूलने की आदत नहीं है। हाथरस में सब लोग गए हरिजन लड़की का पता लेने, किसी को नहीं पीटा गया, केवल लाठी चार्ज। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर किया गया और मैंने उनके परिजनों को यह कहते सुना है कि क्या गलती थी हमारे पति की, क्या वो गुंडा मवाली था या बदमाश था। आज वो भूल सकते, हम नहीं भूल सकते कि वो किसान नेता थे और किसान नेता के साथ जाए थे। हम किसान है तो हम कैसे भूल सकेंगे। दोस्तों, क्या कभी किसी ने ऐसा किया? हिंदुस्तान का रिवाज है कि मरने के बाद आदमी सबका हो जाता है। 8 साल नहीं 10 साल हो गए चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि या जन्मदिन पर भारत के प्रधानमंत्री जी कभी 2 पुष्प चढ़ाने नहीं गए। ये भारत रत्न देकर के एहसान जताते हैं? अरे चौधरी चरण सिंह तो किसान मसीहा है। भारत रत्न देकर के भारत रत्न की लाज बचाई है आपने। नहीं, आपने तो भारत रत्न उन्हें भी दिया है जिनके ऊपर मुकदमे चले। स्वामीनाथन को भारत रत्न दे दिया और स्वामीनाथन की रिपोर्ट जिसके ऊपर भारत रत्न दिया वो रद्दी की टोकरी में फेंक दी। MSP मांगते किसानों को, 750 किसानों को शहादत देनी पड़ी। क्या मुजफ्फरनगर किसानों ये भूल जाओगे कि जिस दिन गाजीपुर बॉर्डर पर हमला हुआ, अध्यक्ष जी, डिकैत परिवार के 5 प्राणी वहां मौजूद थे। अगर मिस हैपनिंग हो जाती तो क्या होता? दोस्तों, हमारे बेटे, हमारे नौजवान बेरोजगार है।
750 किसानों की शहादत के बाद इन्होंने झूठा वादा किसान से किया, MSP आज तक लागू नहीं। अगर किसान MSP की मांग करता हुआ फिर दोबारा आंदोलन पर आया तो उस पर ड्रोन से गोले छोड़े गए, ड्रोन से, ना नक्सलाइट पर छोड़े कभी, ना टेररिस्ट पर छोड़े, ये किसान पर छोड़े। आपको आतंकवादी और खालिस्तानी कहा गया, ऐसे हालात में फैसला आपको करना है। अगर सम्मान चाहते हो तो अपमान करने वाले को सबक सिखाना पड़ेगा। डेवलपमेंट की बात करते हैं, कौन सा डेवलपमेंट हुआ मुझे बताइए 10 साल में? और रेलवे का डबल ट्रैक हम लोगों ने मंजूर कराया था, मैं रेलवे कमेटी में मेंबर था। इलेक्ट्रिफिकेशन मैंने मंजूर कराया, मॉडल स्टेशन मैंने मंजूर करा, डेट ऑफ सेंक्शन उठा करके देख लो। फ्रेट कॉरिडोर की तो हमने यही घोषणा कराई थी मुजफ्फरनगर में, था जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनना था मुजफ्फरनगर वो रोक दिया गया। अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मुजफ्फरनगर सहारनपुर के बीच बनता तो निश्चित रूप से यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलता। खेती लाभ का धंधा नहीं रहे, आज के हमारे नौजवान खेती में जाना नहीं चाहते और नौकरी देना नहीं चाहते। आउटसोर्सिंग का मरज चला है, इन्होंने अपने लोगों को की दुकान खुलवा करके उनके माध्यम से आउटसोर्सिंग पर लोग रख रहे। न्यूनतम वेतन मान खत्म हो गए हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोई अधिकार नहीं है, सहायक श्रम आयुक्त को कोई अधिकार नहीं है कि कारखानों की जांच करने के लेबर को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। इसके लिए आपको मंडल आयुक्त या श्रम आयुक्त के पास जाना पड़ेगा। यह सरकार किसान विरोधी है। मुजफ्फरनगर के लोगों यहाँ जाति और धर्म की लड़ाई नहीं है, यहाँ केवल कमेरे लुटेरे के बीच लड़ाई है। हम कमेरों के वकील हैं, वो लुटेरों के वकील हैं। पिछाड़ में फरसा ताकत आपकी है, आप वोट तो आपके सम्मान को हमारे जीते जी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। हम बहुत लंबे समय से आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, 78 से और 82 देहात की राजनीति के चुनाव लड़ रहा हूँ। 85 में आपने आशीर्वाद दे के पहली बार MLA बनाया, उससे पहले बखरे के लोगों ने BDC बनाया 82 में। दोस्तों बताओ हमसे कभी किसी का अपमान हुआ क्या? हमने कभी ये काम किया कि एक को बगल में दे ले दूसरे गांव का नाश करवा दे? भाई ये जो ठेकेदारी पड़ता है इसे खत्म कर दो, मेरे पे कृपा कर दो। और देखो राजनीतिक आदमी हरा तकड़ा कुछ नहीं होता, जिसके साथ आपका हाथ है, जिसके सर पे आपका हाथ है, जिसकी पीठ पर आपका हाथ है, वो सबसे तकड़ा व्यक्ति है। और जब हाथ हट जाए तो हम कमजोर हो जाए, भाई कमजोर ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे वो लगा है जो इलेक्शन कमीशन को चुनाव प्रचार 42 दिन करना चाहिए था। अरे मेरे पहले सारा लाडला MLA आ गया था यहाँ पक्के, आज मुझे फिर 2 घंटे लगा दिए। अब आगे कहाँ जाऊँगा? बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ रहो भाई, पर आश्वासन दे दो, हाथ ढा गए क्या चीता आगे जंगल सूर पड़ता है।